पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत सी नामवर और कदावर शख्सियात गुजरी हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए लेजेंड का लफ्ज़ भी छोटा पड़ जाता है। उन्हीं में से एक नाम आली जनाब डॉक्टर इमाम दीन शहबाज साहब हैं। शालोम दोस्तों, मैं हूं हारून शाद और आज मैं मौजूद हूं सरगोधा की तहसील भलवाल में डॉक्टर इमाम दीन शहबाज की आखिरी आरामगाह पर, और आज मेरे कैमरे की आंख आपको दिखाएगी इस तारीखी मुकाम को और आप सुनेंगे डॉक्टर इमाम दीन शहबाज की कहानी मेरी ज़ुबानी। जी तो नाज़रीन, आप मेरे कैमरे की आंख से देख सकते हैं आखिरी आरामगाह अजीम शायर व अदीब पादरी डॉक्टर इमाम दीन शहबाज की। पादरी डॉक्टर इमाम दीन शहबाज, जिन्हें आई डी शहबाज के नाम से भी जाना जाता है, 1845 में नारोवाल के एक गांव ज़फ़रवाल में एक गैर मसीही ख़ानदान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट से हासिल की, जहां अंजील की तालीम लाजमी थी। डॉक्टर इमाम दीन शहबाज अंजील की तालीमात और मिशनरियों के रवैयों से इतना मुतासर हुए कि आपने सिर्फ 16 साल की उम्र में खुदावंद यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया और पादरी रॉबर्ट क्लार्क के हाथों पानी का बपतिस्मा लिया। डॉक्टर इमाम दीन शहबाज ने स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट, जिसका मौजूदा नाम गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल सियालकोट है, से अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर इसी स्कूल में बहैसियत उस्ताद खिदमात सर अंजाम दी। 1883 में शायर मशरक़ हज़रत इलामा इकबाल को भी उनसे तालीम हासिल करने का शर्फ़ हासिल हुआ। इसके अलावा आपने अमृतसर और अम्बाला में भी तदरीसी खिदमात सर अंजाम दी। यसु मसीह को कबूल कर लेने से आपके घर वालों ने आपसे नाता तोड़ लिया और डॉक्टर इमाम दीन शहबाज मिशनरियों के साथ रहने लगे। वहां आपने बाकायदा दीनी तालीम हासिल की और पासबानी खिदमत का आगाज़ प्रेस्बिटेरियन चर्च से किया। डॉक्टर साहब की बीवी का नाम मरियम था और खुदावंद ने आपको 3 बेटों और 1 बेटी से नवाजा। पादरी डॉक्टर इमाम दीन शहबाज का हमेशा याद रखा जाने वाला काम पंजाबी मंजूम ज़बूर हैं, जो कि अरसा 100 साल से मकबूले आम हैं। अमूमन ये समझा जाता है कि डॉक्टर साहब ने सिर्फ ज़बूरों का पंजाबी तर्जमा किया और उनकी धुनें बनवाई या बनाई, जबकि सबसे पहले ज़बूरों को उर्दू और फ़ारसी में ट्रांसलेट किया गया और उनकी धुनें मगरबी तर्ज पर बनाई गई, जो कि आम आवाम में मकबूल ना हो सकी। सन 1890 में डॉक्टर इमाम दीन शहबाज ने कमेटी के साथ मिलकर ज़बूरों के पंजाबी तर्जमे पर काम शुरू किया। इस कमेटी में मिशनरीज भी शामिल थे, ताकि ज़बूरों का तर्जमा इब्रानी ज़ुबान के ऐन मतन के मुताबिक किया जाए। इस बार ये कोशिश की गई कि तमाम धुनें रवायती रागों के अंदाज में बनाई जाएं और धुनें बनाने में भजन के अंदाज को फॉलो किया गया। डॉक्टर साहब ने 150 ज़बूरों को हिस्सों और वज़नों के हिसाब से 407 आइटम्स में तकसीम किया। धुनें बनाने में मारूफ पंडित राधा किशन से मदद हासिल की गई, जबकि स्टाफ नोटेशन को लिखने का काम अमेरिकन मिशनरी खातून हेनरीटा काउडन ने किया। ये किताब पंजाबी ज़बूर देसी रागा विच 1908 में बनारस से शाया की गई। क्लीसिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस तर्ज का काम करना किसी और को नसीब नहीं हुआ। आपकी खिदमात के पेश नज़र अमेरिकी यूनिवर्सिटी टार्कियो ने आपको डॉक्टरेट की आज़ादी डिग्री से नवाजा। आपको क्लीसिया का पहला हिंदुस्तानी पादरी, सेनेट का पहला सेक्रेटरी और पहला हिंदुस्तानी मॉडरेटर होने के एजाजात हासिल हैं। आपको असर हाजिर का दाऊद, जॉन मिल्टन ऑफ पंजाब एंड लेजेंड ऑफ पंजाब जैसे अलकाबात से पुकारा जाता है। भलवाल, जहां आज हम मौजूद हैं, आपके नाम से आई डी शहबाज मेमोरियल चर्च, जिसमें आप खिदमात सर अंजाम देते रहे, और इसके अलावा साधु के और सियालकोट में आपके नाम से हॉल्स मंसूब हैं। उम्र के आखिरी अयाम में डॉक्टर साहब की बेनाई जाती रही, मगर आपने अपना मिशन जारी रखा और 1921 में लेजेंड ऑफ पंजाब डॉक्टर इमाम दीन शहबाज
खुदावंद में सो गए। आपको भलवाल में सुपुर्द खाक किया गया। आपकी आखिरी आरामगाह के मरकज़ी कतबे पर जबूर 72 जली हरूफ में लिखा गया है, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, क्योंकि ये डॉक्टर साहब का पसंदीदा जबूर था।